इस विकेट में स्पिनर्स के लिए मदद काफी है, लेकिन जैसे हमने देखा इंग्लैंड अगर एक्यूरेसी नहीं है तो रन्स भी बना सकते हैं, तो एक्यूरेसी कितना इम्पोर्टेंट है और ये आपका कितना बड़ा स्ट्रेंथ है? हाँ, जैसे मैं बॉलिंग डालता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी मुझे पता है, मेरी स्ट्रेंथ पता है कि मैं एक्यूरेसी डालता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत सही काम करती है। तो वही है कि आप एक्यूरेसी डालते रहो, क्योंकि विकेट से आपको जो मदद चाहिए वो है, तो आपको ज़्यादा कुछ एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आप वेरिएशन डालो, तो क्योंकि आपको विकेट से मदद मिल रही है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अपना जगह पे बॉल डालूँ और वो अपने आप विकेट से हेल्प मिल रही है। क्वेश्चन सरकार, अक्सर जो सवाल आपने अभी जवाब दिया उसी को आगे खींचते हुए, कि जब एक ट्रैक में स्पिन ऑफर हो रहा है, आप एक्यूरेसी डाल रहे हो, स्पीड कितना इम्पोर्टेंट है स्पिनर के डिलीवरी के लिए, कंसीडरिंग कि आपको हेल्प मिल रहा है, मतलब स्पीड का वेरिएशन कितना इम्पोर्टेंट और कैसे आप वेरी कर रहे थे स्पीड को, आप और अश्विन थोड़ा अगर हमें बताएं। हाँ, जैसा विकेट बिहेव कर रहा है तो आप सब पता है कि स्पिन ऑफर हो रहा है, लेकिन वो स्पिन तब ऑफर हो रहा है कि आप जितना बॉल पे थोड़ा स्ट्रेन लगाओगे, जितनी स्पीड आप थोड़ा जोर से हिट करोगे तो आपको ऑफर हो रहा है। अगर थोड़ा स्लो छोड़ रहे तो, थोड़ा फ्लाइट दे रहे तो इतना आपको पिच से मदद नहीं मिल रही है। तो आपको स्पीड थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा हिट करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि तो बैट्समैन को खेलने के लिए भी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि जितना आप स्लो कर रहे हैं तो आई थिंक वो पीछे जाके भी बैट्समैन इजीली एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो स्पीड आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पिनर के लिए इस विकेट पे बॉल डालना। श्रीराम वीरा एंड वेंकट कृष्णा, अक्सर वो जो रूप का प्लास्ट जो इंटरव्यू हुआ था, हमें कॉल हुई थी, आपने रिप्ले देखा, आपके हिसाब से इनलाइन था, कैसे देखते हैं? और पिच के ऊपर थोड़े सवाल, नॉट एवरीबॉडी बट कुछ लोगों ने सवाल उठाया बाहर कि ये पुअर रेटिंग देना चाहिए वगैरह वगैरह कल कर रहे थे, उसके बारे में भी कुछ बोल सकते हैं? अब मेरे जो लास्ट डिसमिसल हुआ, मेरे सोचने या कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अंपायर का डिसीजन था वही रहेगा, तो ज़्यादा उस पर अब कल जब आएंगे तब वही सोचेंगे कि क्या करना है, तो उसके ऊपर तो कुछ मैं डिसीजन नहीं ले सकता। और जब सब अगर पिच के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी बॉल किसी के हेलमेट पर लगा हो या कुछ गया हो, नॉर्मल स्पिन हो रहा है जिस विकेट, जैसे हम भी वही विकेट पर खेल रहे हो अगर रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि विकेट ऐसा है वैसा है। तो और जब अगर हम भी बाहर जाते हैं तो हमें भी अगर स्विमिंग ट्रैक मिलता है तो हम तो तब बात नहीं करते कि विकेट में ज़्यादा ग्रास है या ये है, तो बस मुझे लगता है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए विकेट के बारे में ज़्यादा सोचने से। अच्छा, वेंकट कृष्णा, you are in line to make the test debut on first, during the first test. How much was frustrating to miss out because of an injury? And also, like, how was it like bowling with Ashwin in this test match? You have played with him in DC as well. What did you learn from during that 2 months? जैसे मैं अगर फर्स्ट मैच में मैं सिलेक्ट खेलने वाला था लेकिन इंजरी के कारण मैं ड्रॉप हो गया था, तो आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं निगल लेके मैं फर्स्ट मैच में खेलूँ और फिर आधी मैच में टीम सफ़र करे, तो मैं इसीलिए थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहता था। और मेरी फिजियो और सबसे टीम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला, अगर फिजियो ने बोला निगल है वो, अगर तू थोड़ा टाइम देगा तो सही हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मैं पहला मैच मीन्स मैंने और फिजियो ने मिलकर डिसीजन लिया कि पहला मैच हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि निगल बढ़ सकता था, तो इसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट तो था, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अच्छा है कि सेकंड मैच में मैं वापस मैं अपना 100% दे सकता हूं, तो अगर फर्स्ट मैच में मैं वो निगल लेके खेलता तो वो नहीं दे सकता था। और ऐश के साथ मैंने वनडे में बॉलिंग डाली है, डीसी में भी साथ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है जब वो बॉल डालता है, तो राइटी को जब बॉल डालता है तो क्या वो सोचता है, और लेफ्टी को जब डालता है तो क्या सोचता है, तो काफ़ी बातें होती रहती है हम दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत साथ में हम क्रिकेट खेले हुए हैं, तो वो हम माइंडसेट पे भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे एक्शन अलग है और वो अलग वेरिएशन उसके पास अलग है, तो हम ज़्यादातर माइंडसेट से ही बात करते हैं कि मैं मेरी बॉलिंग में किस तरह से मैं बैट्समैन को डिफ़िकल्ट कर सकता हूँ कि खेलने के लिए, तो वही बातें हम करते हैं।
निमिष पडगांवकर एंड देन रोहित। अक्सर अभी इंग्लैंड का रिस्पांस देखेंगे तो लग रहा है कि कल का स्कोर भी काफी ही था, बट हमने बारी अपनी बहुत खींची पूरा ऑल आउट होने तक, मतलब टी टाइम को भी 221 था, अश्विन 68 पे था। सो एक मैसेज देना हम चाहते थे कि इस पे बैटिंग पॉसिबल है, पिच में जो सवाल उठ रहे थे उसमें कुछ नहीं है, बिकॉज टारगेट वाइज वी हैड प्लेंटी राइट ऑलरेडी, तो इसलिए हमने बारी पूरे, ऑफकोर्स मैच में समय बहुत है वो भी बात है, बट इससे हमने एक मैसेज दिया है, ऐसा आपको लगता है कि पिच में जो सवाल उठ रहे थे उसमें कुछ खास दम नहीं है? जब हम मैच खेलते हैं तो आई थिंक हम आउटसाइड का नहीं सोचते कि हमें कोई मैसेज देना है या ये देना है, तो आई थिंक हम नॉर्मल अपना क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि 5 दिन का मैच है, तो अगर फोर्थ डे होता तो हम सोच सकते हैं कि हम डिक्लेयर कर दे या कर दे, अगर थर्ड डे था मैच का तो कोई पॉइंट नहीं था कि डिक्लेयर करके उनको दे, क्योंकि हमारे पास आउट करने के लिए और 2 दिन थे, तो आई थिंक वही नॉर्मल हम वही सोच रहे थे कि हम लंबा खेलेंगे और बस वही माइंडसेट से हम सब खेल रहे थे, तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम बाहर मैसेज देना चाहते थे किसी को या प्रूव करना चाहते विकेट के बारे में। रोहित। या हाय सर, आज अश्विन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और हमने देखा कि कप्तान विराट कोहली के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने निभाई, तो टीम में कैसा एटमॉस्फेयर था और आप क्या कहना चाहोगे उन दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में? आई थिंक काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग का हमारा स्टार्ट हुआ था कि लगातार विकेट गिर रहे थे, काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए, जैसे रोहित भाई और चेतेश्वर पुजारा जैसे आउट हुए, तो आई थिंक थोड़ा हम माहौल थोड़ा नर्वस हो गया था कि हम सॉफ्ट डिसमिसल आउट होते, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और विराट भाई के पार्टनरशिप हुई है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया, और जब आपका स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा हुआ है तो आप और खुल के बॉल डाल सकते हो और कॉन्फिडेंस से बॉल डाल सकते हो, तो वो एक हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट था उस पारी से, और ड्रेसिंग का माहौल और काफ़ी एनर्जेटिक हो गया था उस पारी के वजह से। लास्ट टू क्वेश्चन, प्रसन्नजीत दे। उसके बारे में आपके थॉट्स क्या है, और जब वो डिसीजन फेवर में नहीं गया तो डिस्कशन क्या था उसके बाद? यस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। ओके ओके, माय बैड। Any more question now? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.